दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-2022 संसद में पेश कर दिया है। ऐसे में जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर दूसरे निवेश साधनों में पैसे लगाते हैं या फिर इनकम टैक्स चुकाते हैं या फिर बिजनेस से या नौकरी से पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनमें से कौन से प्रावधान उनके लिए लाभदायक है, कौन सा नुकसानदेह है, ये सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जस का तस उसे रखा गया है। इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा कोई नई छूट की भी घोषणा इस बार नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम पीएफ की बात कर लेते हैं। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, हम यहां पर ईपीएफ की बात करेंगे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड की, जिसे आमतौर पर पीएफ कह दिया जाता है। वैसे एक बीपीएफ होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, एक पीपीएफ भी होता है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी व्यक्ति पैसे लगा सकता है, लेकिन ईपीएफ जो है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम ही है इसका, यानी जो सरकारी कंपनियों में सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनकी सैलरी में से पीएफ काटा जाता है, तो उसको हम ईपीएफ कहते हैं। तो ईपीएफ के बारे में इस बार एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिससे कि पीएफ निवेशकों को नुकसान होगा। तो आम बजट 2021-22 में एक वित्त वर्ष में पीएफ पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है आम बजट 2021-2022 में। फिलहाल पीएफ पर निवेश करते समय, निवेश निकालते समय और पूरे रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है, यानी ट्रिपल ई जो है इस पर रहता है, एग्जेम्प्ट, यानी जब आप पैसे लगाते हैं तो उन पैसों पर भी टैक्स नहीं लगता है, जो पैसे पर रिटर्न मिलता है और पूरा पैसा फंड जो बन जाता है उस पर भी नहीं लगता है, और जब पैसे आप निकालते हैं तो उस समय जो ब्याज मिलता है या जो पूरे पैसे मिलते हैं उस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 2.5 लाख अगर ब्याज मिलता है साल भर में तो उस पर टैक्स का प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के पैसों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले 2016 के बजट में सरकार ने ईपीएफ में जमा के 60% ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। इस पर नए व्यापक स्तर पर विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। लेकिन जो नया प्रस्ताव है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन से कमाए जाने वाले ब्याज अगर साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर सामान्य दरों से टैक्स लगेगा, यानी जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इस कदम से ज्यादा वेतन पाने वाले उन लोगों को नुकसान होगा जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अभी का प्रोविजन क्या है पीएफ के संदर्भ में, कि कुछ सर्टेन परसेंट जो है बेसिक सैलरी का वो पीएफ के लिए काट दिया जाता है, लेकिन अगर कर्मचारी चाहे तो उस सर्टेन परसेंट के अतिरिक्त भी अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करने के लिए मंजूरी दे सकता है कंपनी को या फिर सरकार को। तो जो लोग ज्यादा सैलरी वाले होते हैं आमतौर पर वही लोग बीपीएफ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है उनका सालाना ब्याज 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तक हो सकता है, तो ऐसे लोगों को इस नए प्रोविजन से नुकसान हो सकता है। अब माना जा रहा है कि इस बार शायद इस प्रस्ताव को विरोध का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इससे सिर्फ बहुत ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर ही इसका असर पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए की सालाना सीमा का मतलब है कि कोई व्यक्ति पीएफ में टैक्स बचत के लिए हर महीने 20,833 रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके लिए व्यक्ति की बेसिक सैलरी 1,73,000 रुपए होनी चाहिए। 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए वेज कोड में कहा गया है कि बेसिक सैलरी को व्यक्ति की कुल इनकम का कम से कम 50% होना चाहिए। इस तरह से बहुत कम लोगों पर असर होगा इसका। अब है यूलिप को लेकर के, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के आधार पर पॉलिसी की जो कीमत होती है वो बढ़ते घटती रहती है। ये काफी रिस्की प्रोडक्ट माना जाता है और यही वजह है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो यूलिप में पैसे लगाने से बचते रहते हैं, क्योंकि मार्केट रिस्क जुड़ा हुआ है इससे। यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के 5 साल की शुरुआती लॉक इन अवधि के रिटर्न पर मिलने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट को सीमित किया गया है आम बजट 2021-2022 में। मौजूदा नियम के मुताबिक अभी 5 साल की शुरुआती लॉक इन अवधि के बाद
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रिटर्न पर टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 10D के तहत मिलती है। यह सेक्शन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम के लिए एग्जेम्पशन देता है। फाइनेंस बिल 2021 के प्रावधान में कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष के दौरान प्रीमियम की रकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 फरवरी 2021 या इसके बाद जारी होने वाले यूनिट के मामले में सेक्शन 10D का क्लॉज लागू नहीं होगा। यानी अगर 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जमा करते हैं आप यूनिट में, तो आपको जब आप रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब हुआ कि इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तुलना में यूनिट के साथ मिलने वाला टैक्स एडवांटेज अब खत्म हो गया है। अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम वाले यूनिट से हुए गेंस को इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस की तरह लिया जाएगा और इस पर उसी के अनुसार टैक्स लगेगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? तो चूंकि यूनिट में निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप जितनी मर्जी हो उतना निवेश कर सकते हैं, लिहाजा कई अमीर लोग टैक्स फ्री रिटर्न कमाने के लिए यूनिट में पैसा लगाते थे। ज्यादा कमाने वाले और HNI इंश्योरेंस पॉलिसी की आड़ में निवेश पर टैक्स फ्री इनकम के लिए सेक्शन 10D का इस्तेमाल करते थे। यह बात यूलिप और अन्य इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में फर्क भी पैदा करती थी। इस कदम के साथ यह मसला काफी कुछ खत्म हो गया है। तो इस तरह से यूलिप निवेशकों को भी झटका लगा है आम बजट 2021-22 से। अब किफायती जो घर खरीदने वाले हैं उनको कुछ राहत दी गई है। सरकार ने किफायती घरों की खरीद पर टैक्स बेनिफिट की समय सीमा बढ़ा दी है। किफायती घरों की खरीद पर उपलब्ध 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन का फायदा एक और साल के लिए रहेगा। इसे 1 साल के लिए और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। यानी अगर आप 31 मार्च 2022 तक अफोर्डेबल घर लेते हैं, सस्ता घर लेते हैं और उससे लोन लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन का फायदा आपको मिल सकता है 31 मार्च 2022 तक। बसंत 2021 में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने वालों से अधिक TDS और TCS वसूलने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावों के अनुसार ज्यादा TDS उन लोगों पर लागू होगा जिनकी ब्याज, डिविडेंड, पेंशन प्लान और कैपिटल गेंस से इनकम है। हालांकि इस तरह का ज्यादा TDS सिर्फ खास कैटेगरी के ITR नहीं फाइल करने वाले लोगों पर लागू होगा। इसके लिए एक नए सेक्शन का प्रस्ताव किया गया है। यह सेक्शन वहां नहीं लागू होगा जहां टैक्स को सेक्शन 192 यानी सैलरी, 192A मतलब PF, 194B यानी लॉटरी इत्यादि में जीती रकम, 194BB यानी घुड़दौड़ में जीती रकम, 194LBC या 194N के तहत काटने की जरूरत होती है। प्रस्तावों के अनुसार लागू अधिक TDS रेट निम्न में से किसी एक से अधिक होगी। एक्ट के प्रासंगिक प्रावधान में निर्धारित रेट से दोगुना या लागू रेट या रेट्स के दोगुना या 5% की दर से, तो अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इन तीन तरीकों से आप पर ज्यादा टैक्स लग सकता है। तो ITR फाइल जरूर करें भले ही आप टैक्स देते हो या नहीं देते हो। इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा 6 साल से 3 साल करने के लिए समय सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना या टैक्स इवेजन के गंभीर मामलों में जहां 1 वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं, ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए विवाद समाधान समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया इस बजट में। इसके अनुसार 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। यानी जो लोग आयकर नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के जो नियम है, जो नीति है, उसको काफी आसान किया गया है। इस बजट में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभों के विवरण, बैंकों और डाकघरों आदि से लाभांश आय और ब्याज का प्रस्ताव दिया गया है और यह रिटर्न को आसानी से भरने के लिए पहले से भरा होगा। वेतन आय, कर भुगतान, TDS आदि के विवरण भी रिटर्न से पहले से ही भरे होंगे। यानी IT रिटर्न फाइल करना उन लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा जिनकी डिविडेंड आय होती है, ब्याज से आय होती है ना, तो उनके लिए भी आसान होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से ही भरी रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न में। और बजट में 75 साल की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा।
स्वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आरईआईटी या फिर आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव किया गया, यानी अगर स्वदेश लौटते हैं एनआरआई और अगर वो आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर आईएनवीआईटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसे लगाते हैं तो उन पर जो उनको रिटर्न मिलेगा उस पर टीडीएस से मुक्ति दी जाएगी। यह प्रावधान आम बजट 2021-22 में किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा एनजीओ और शैक्षणिक संस्थान के बारे में कुछ प्रावधान है तो शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले छोटे चैरिटेबल न्यासों पर आयकर का भार कम करने के लिए बजट में राहत की घोषणा की गई है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की वार्षिक लेखा प्रविष्टियों पर राहत की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से इतने सारे प्रावधान किया गया है टैक्स पेयर्स के लिए और पीएफ यूलिप में पैसे लगाने वालों के लिए। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।